मेरा बन जाए इसके लिए, मैं खुश हो जाऊँ सैफ अली खान के साथ। ये सैफ अली खान किसी लड़के का भी बन जाए, अगर बंगला गाड़ी मिल रहा होगा हमें कबूल है भाई। Hands down. Yes, he should have been our prime minister. Anyway, ये कॉन्सेप्ट गलत है, इस पे बहस बाद में करेंगे। हर ईमानदार आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एक अलग जॉब है। ये आपने अभी सीखा है ना? नहीं नहीं, मुझे मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा तंस, इनको तंस। लेट इनको लेट गया। एक जमाने पोस्टर वोस्टर लगे होते थे कोमल रिजवी के उन जिमों में, ये होता था किसी के लिए, हसन जहांगीर के भी लगे होते थे। पर उन जिम्स में जो अटायर होती है ना लड़कों की, कुर्ता शलवार वाली, कुर्ता नहीं होता बनियान और शलवार, उसमें एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लड़के। What is the worst advice that you have ever been given? मुझसे कहा था भाषण छलांग मार दे कुछ नहीं होगा। What is the worst advice that you have ever given? छलांग मार दे तुझे भी कुछ नहीं होगा। Assalamualaikum everyone, मेरा नाम है कोमल रिजवी। Do subscribe to Nashpati Prime and keep watching To Be Honest. ये चीज़ यार सुनो, कभी कभी उठ के बंगले भी डालना शुरू कर दिया करो, माहौल बन जाता है। तो बातों बातों में ये बताता चलूं कि आज इस वक्त आप मौजूद हैं TBH3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम, जो आज की हमारी गेस्ट है मेरी पर्सनल फेवरेट कोमल रिजवी। हाय कोमल, वेलकम टू TBH3, प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, इस वक्त थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है, भूख बहुत लग रही है, IF शुरू किया है, तो आई मे नॉट बी आंसरिंग एवरीथिंग कंप्लीटली कोहेरेंटली। कोई बात नहीं, इस शो में बहुत कम चीजें कोहेरेंट रहेंगी। Yes, I actually didn't know it was a live audience and I actually thrive on live audiences क्योंकि मैं performer हूँ, ऐसे उर्दू ज़्यादा बोल रही, इंग्लिश ज़्यादा बोल रही। समझ में आया, बस इशारों की ज़ुबान भी चल सकती है। समझे? उन्होंने कहा कम खाना, पेट बड़ा हो जाता है। बहुत छोटी उम्र में म्यूजिक में पहुंच गई जी, अभी भी छोटी ही उम्र है लेकिन इतनी छोटी उम्र में म्यूजिक में क्यों पहुंच गई? हम लोग जब पाकिस्तान मूव हुए थे तो जनफर अंकल जो इंडस ओन करते थे और जी, उस वक्त STN उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने अब्बू से कहा कि एक गाना, इतनी टैलेंटेड है। हम लोग घर में लाइक माय मॉम लर्न्ड हाउ टू सिंग एंड मैंने थोड़ा बहुत यू नो बाजे पे हाथ मारा हुआ था, देन अब्बू ने कहा चलो एक करने दो एंड अम्मी वाज लाइक तुम ही इसको खराब कर रहे हो, तुम्हारा ही खून है जो इसमें आया है, यू नो हाउ मम्स गेट राइट, लाइक इसको स्ट्रेट ए स्टूडेंट है, इसका दिमाग तुम डिस्ट्रैक्ट कर। अम्मियों के हाथ में तो कोई भी स्टार ना बन पाए। नहीं यार, उन्होंने तो एक दफा मेरे सारे अवार्ड्स लेके बाहर फेंक दिए, विंडो से बाहर फेंक दिए। मेरे अवार्ड जो थे पब्लिक स्पीकिंग के 250 रुपए में बिके हैं, वो कबाड़ी ने लिए 250 रुपए में। कौन 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 सी अदारों ने आपको अवार्ड दिए थे? मुझे बस 250 रुपए में जो बिके मिलते टैलेंट के हिसाब से बिके मजहब के साथ। अच्छा, ओके। एक गाना आपका आया जो नवाज शरीफ से इंस्पायर्ड था। ये मुझे अभी पता चला जी, बाऊजी 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 बाऊजी, उनको बाऊजी कहा जाता है घर में, तो नवाज शरीफ में क्या नजर है? अच्छा, यानी आपकी इंस्पिरेशन नवाज शरीफ नहीं, इसका डीपर मीनिंग क्या? बाऊजी बाऊजी आओ बंगला साडे पाल नाल पाऊ जी। सेकंड लाइन नहीं सुनी आपने? क्या है? जे तो सब पढ़ लिया चार जमाता, कल्चर अपना ना भूल जाओ जी। वाह 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 वाह, बहुत डीप सॉन्ग। इवन एट 16 आई वाज काइंड ऑफ ऑलवेज अट्रैक्टेड टू समथिंग दैट हैज अ मैसेज। इंडीड इट हैज अ वेरी डीप मैसेज। मैं तो खाते स्कूबा डाइवर सुनते होंगे, इतना डीप है ये। अब आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां शो बुलंदियों में पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। अब जरा शो यहां से निकलेगा। ओह नो, गॉड हेल्प मी। उस जमाने के टॉप टियर एक्टर होना 90s, late 90s, early 2000s, और आज के टॉप टियर एक्टर्स होने में उस टॉप टियर का डिफरेंस क्या है? पहले आप का काम मशहूर होता था, आपको काम मिल जाता था, आपको रेड कार्पेट्स नहीं जाना पड़ता था, आपको द राइट पार्टी पे नहीं नजर आना, इंस्टा पे पिक्चर्स नहीं। अब नाउ माय पीआर कंपनी जस्ट ड्राइव्स मी इनसेन एवरी डे, देयर लाइक आपने आज तस्वीर नहीं लगाई, मैंने कहा आज मैंने कुछ किया नहीं है, तो नहीं नहीं आप बाहर जाएं, टेक अ कॉफी, टेक अ सेल्फी, से गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू नो हाय गाइस मैं कॉफी पी रही हूं, है ना, ब्लैक कॉफी नो शुगर। ये भी तो अच्छा, ये यंगर ऑडियंस है तो पैदा भी नहीं हुए बहुत सारे लोग जब हवाएं आता था। अच्छा, हवाएं उसी वक्त पाकिस्तान आए हुए आपको 3-4 साल हुए होंगे जब हवाएं रिलीज हुआ था? नॉट इवन 2-2.5 कर लेते हैं, 2-2.5 में सेटल कर लेते हैं। आई डोंट रिमेंबर। तो कैसे PTV में इतना मेजर रोल मिला? और जब वो अच्छा वो अपने जमाने के हिसाब से अहेड ऑफ इट्स टाइम ड्रामा था, बहुत उसके अंदर स्टोरी ऐसी थी कि वो शायद उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था और फिर वडेरों को भी आप टारगेट कर रहे थे, तो आपको कैसे? आई वॉज डूइंग माई फाइनल ए लेवल्स एंड अगेन हैदर अंकल वॉज माई डैड्स यूनिवर्सिटी फ्रेंड
एंड ही सेड कि छोटा सा रोल है, छोटा सा रोल है, बस तुम पीटीबी खुद आना, मैं उसको सुपरवाइज करूंगा, खुद आके पिक करना, इसके ग्रेड्स पे फर्क नहीं आएगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। वहां पढ़ाएंगे भी आप? नहीं, उन्होंने उर्दू पढ़ाई मुझे। अच्छा, क्योंकि रोमन इंग्लिश में स्क्रिप्ट आती थी, फिर वो मुझे। उस वक्त से आप रोमन इंग्लिश में उर्दू लिख रही हैं, व्हेन इट वाज नॉट इवन कूल। अब हुआ है ना ये तो कूल। सो अदर अंकल ने का छोटा रोल है, वो कोइंसिडेंटली बड़ा होता गया होता गया होता गया, एंड देन टुवर्ड्स द एंड इट बिकेम वन ऑफ द लीड रोल्स, बट आई रियली रियली हैड नॉट प्लान्ड फॉर इट, आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग, नाउ आई लुक बैक एंड आई थिंक डूड आई वाज लाइक Totally clueless. But you were brilliant in that drama. Brilliant. बहुत अच्छा ड्रामा था वो यार। अगर आप लोगों को चांस मिले छोटे बच्चों तो यूट्यूब पे देखें उस ड्रामे को। 97 में रिलीज हुआ था, मेजर हिट। रोडे खाली होने का कॉन्सेप्ट उस ड्रामे से स्टार्ट हुआ था। इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस के बाद अगर रोडे खाली की हैं तो या तो पार्टी ने की हैं या ड्रामे ने की हैं। थैंक यू सो मच। कोमल, सैफ अली खान द नवाब ऑफ बॉलीवुड, कुछ हुआ? Kuch bhi, I've never, he's the one guy I never even interviewed in India. I've interviewed Salman and I've hung out with them and I've hung out with Kareena and Rani and Preeti and Amitabh and all, everybody. Mithun? No, I've never hung out. But Govinda, I've met him. But Saif Ali Khan is the one guy I've never even met. And apparently there was a rumor that he bought me an apartment in some country. And I'm like seeing him. And I was like, dude, I wish even half of that was true. I'd love to marry him and have his babies and he's hot, you know. Oh, yes. Yeah, yes. Mera banja is channel mein khush ho jao. Saif Ali Khan ke saath ho gaya. Yaar, aur kya yaar? Bhai, bangla dila raha hu, cheezein dila raha hu. Main Komal promise kar raha hu. ये सैफ अली खान किसी लड़के का ही बन जाए, अगर बंगला गाड़ी मिल रहा होगा हमें कबूल है भाई, सब गया बाढ़ में, आ जाओ सैफ भाई। मैं हूँ आप ही करीना आज से, सब तैयार हो जाएंगे। इतना एक्टर्स के साथ आपने काम किया, तो फिल्म विल्म ऑफर की हूँ जी की, कहाँ गई वो फिल्म? अब मुझे इजाजत नहीं मिली। अम्मी या आंटी हद होती है। अमिताभ ऑफर्ड मी दैट फिल्म दैट What was that? Suryavansham. अच्छा How did you know? अरे वो सबसे बुरी फिल्म थी उनकी। True story. कोमल फिर कहाँ चली गई आप? हम ढूंढते रहे कहाँ है कोमल, कोमल। I got married. You got married and चलें. And everybody knows what happens if you get married to the wrong person. ये तो होता है भाई, ये तो मैं मुझे मेरा मैं नहीं बोलूँगा, ये तो होता है, लोग बताने के लिए मैं ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मिसेस ताबिश नहीं, उसका नाम हेरा है, वो अपनी आइडेंटिटी खुद रखती है। अच्छा ओके, आई डोंट नो हर नेम सो हाँ चल रिस्पेक्ट यू नो ताबिश की बीवी, ताबिश की बेगम। अच्छा फिल्म मिली और आपको याद शादी की वजह से नहीं मिली? No. My mom said no. मत करो बेटा। हाँ। ये लोग गंदे होते हैं। ये कानून है। नहीं, उन्होंने कहा तुम बहुत छोटी हो और मेरी पकड़ के शादी कर। पकड़ के इधर आओ। कबूल है तुम दोनों को ये? हाँ जी। इस चीज को वैल्यू करने वाले लोग हैं आपके घर वाले हैं। म्यूजिक को अब कर लें। अब ये होता है। पूरी जिंदगी जो अमेरिकन स्कूल अटेंड करे, फिर घर आके उसको कहें कि शलवार कमीज पहनो और आदाब करो। सो आई वाज इन दैट दैट कंफ्यूज। एक फ्लक्स में थी आपके यार, क्या हो क्या रहा है, मैं मुझे बनना क्या, मैं बर्गर हूं या नहीं हूं? लड़कियां जो शलवार कमीज पहनती हैं वो पॉश नहीं होती? नहीं, आपने बताया इसी तरह नहीं, ना कि मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी मगर घर आके कुर्ता शलवार पहनती थी। मैंने कुछ नहीं कहा कोमल। आई थिंक वुमेन लुक ब्यूटीफुल इन शलवार कमीज एंड आई थिंक मेन लुक सुपर हॉट इन शलवार कमीज। यस, आपको बताता हूँ मैन सबसे ज्यादा हॉट कहाँ लगते हैं, ये लोकल जिम। ये आप मुझे बताएंगे कि मेन कहाँ हॉट लगते हैं? मैं बता सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम? इसीलिए सैफ अली खान के पीछे मेरे। अच्छा, तो ऐसा है कि आप तो कभी गई नहीं होंगी, आपको तो पता भी नहीं होगा ऐसे जिम भी होते। एक होते ऑल बॉयज जिम, ये हमारे जैसे सस्ते इलाकों में होते हैं, महंगे इलाकों में। No, I've obviously never been to an all boys gym. Of course you wouldn't. तो एक जमाने पोस्टर लगे होते थे कोमल रिजवी के उन जिमों में, ये होता था। मजाक नहीं, हसन जहांगीर के भी लगे होते थे तो उसको देख के लड़के एक्सरसाइज को। तो वहां पर जो है ना, वहां पर उन जिम्स में जो अटायर होती है ना लड़कों की, कुर्ता शलवार वाली, सुन, कुर्ता नहीं होता, बनियान और शलवार, उसमें एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और उसमें बिल्कुल वैसे वो जो कबड्डी खेलते हैं वो भी इसी तरह लाइक
Kudos to them, whatever they have available to them. नहीं, अब उसको लंगोट कहते हैं। वो उसका नाम वाकई में लंगोट नाम है उसका। I don't know what that. लंगोट। लंगोट? लंगोट। नी जर्क रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कोमल रिजवी सिंगर और एक्टर? सिंगर। तो ये कोक स्टूडियो क्या सीन होते हैं, कैसे मिलता है चांस गाने को? क्योंकि ऐसा होता है एक साइड पे तो कोमल रिजवी खड़ी हैं, वो जहरी साहब खड़े हैं, राहत फतेह अली खान खड़े हैं, और वो एक्टर दूसरी साइड पे वो हल्के वाले भी खड़े हैं, तो उनको कैसे चांस मिलता है, आपको कैसे मिलता है? अच्छे सिंगर तो गा ही रहे हैं, वो तो ठीक है बनता है उनका, हल्के वालों को कैसे? See, like I said, this is what I don't like about the industry nowadays, कि a lot of it is obviously talent and a lot of it is the brands controlling the storyline. Yes. And brands का PR, brand managers से PR, producers से PR, which I don't do. Okay. My brother and my PR team is constantly calling me, red carpet ho raha, awards ho rahe, you've never seen me at a Lux Awards show ever. If I've मैं भी नहीं जाता. तिब्बत स्नो कराएगी तो जाऊंगा. Lux वाला, तिब्बत स्नो. तिब्बत सोप वाले. क्या आप उसके पाउडर यूज करते हैं? स्नो वो क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम. व्हाइटनिंग? It's working. बालों पे इस्तेमाल करता हूँ. It is not working. अच्छा मुझे Natasha Beg was here a couple of days ago. And she told her about a couple of incidents that she had faced unke concerts mein harassment ke. Aur she was really taken aback ki yaar ye kya ho raha hai, wo kya. Have you ever experienced that in your life? Aur agar kiya hai to kya pehle zaman? On stage? Yeah, on stage, backstage. Gaate hue, backstage. Matlab kisi ek aurat singer ko, kya ye, is it a norm? Ki unko log chhedenge, paise phekenge, card phekenge, ya is it like out of ordinary thing, ये होता नहीं है, one off case होगा Natasha के साथ? एक दफा मेरे पास call आई कि बलूचिस्तान में show है, सारे female artists ने मना कर दिया है, आप करेंगी? मैंने कहा कि अब तो मैं जरूर करूंगी. अच्छा ही कौन है? नहीं करूंगी. मैं ही करूंगी. मुझे commandos pick करने आए, मुझे army tank में बिठा के लेके गए. My dad was like बलूचिस्तान. Some mela it was called, I can't remember what mela it was, but लहूती मेला. लहूती मेला सिंध में होता है, sorry. Maybe it was Sibbi Mela. Sibbi Mela, Sibbi Mela. I can't remember. Anyway, but the point is that my dad was super angry. My mom was super angry. He's like, "Koi nahi kar raha hai, tumhe hi musibat hai." Maine kaha, "Nahi, kyun? Kyun ladki wahan ja ke nahi ga sakti? Kyun? Main gaungi. I don't care if I get killed. I'm gonna go and I'm gonna entertain those people." तो आपने टैंक में बैठ के गाया? नहीं. नाली से आवाज निकल रही है. बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी. बीजी तो धमाके भी हो रही हूँ देख देख के ना. बाऊजी, बाऊजी, तू छेड़ा दूध, क्राउड ही खत्म हो गया. आखिर में तीन लोग देख रहे हैं, एक कैमरामैन, एक आप और एक जो लेकर आए थे कमांडो. अच्छा भाई, एक कमाल वाकया याद आ गया भाई. वाह, बहुत मजा आ रहा है, सोच कर ही बहुत मजा आ रहा है. बता दो. दे बता रहा हूँ, पहले सोच तो लू. तो Memes, तो पता है ना क्या होती है? Oh, yes, yes, yes. भाई आपने स्टार्ट किए सारी गेम जी. वो मशहूर सेल्फी जो आपने यूं ली थी. मैंने कितनी चीजें स्टार्ट की है यार, मैं थक गई हूँ. थके मत, थोड़ा आराम कर ले. हुआ ये कि मैं बिल्किस आपा के यतीमों की बहुत शादियों पे जाके फ्री में परफॉर्म करती हूँ, बिकॉज दैट्स माई थिंग विद बिल्किस आपा. एंड उस ईदी साहब की बहुत तबीयत खराब हो रही थी, वो डायलिसिस पे थे, और मैं चाह रही थी कि मैं उनसे एक दफ़ा मिल लूँ बिफोर एनीथिंग सीरियस हैपेंस. तो अहमद जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि अब आके मिलने, वो अच्छी तबीयत आज हो रही है उनकी. तो आई वेंट एंड आई टुक एक्चुअली माई नेफ्यू आर्यन. रियली वॉन्ट, आई वॉन्टेड हिम टू मीट द ग्रेट ईदी साहब बिफोर यू नो इट्स टू लेट. ईदी साहब के लिए पहले ताली हो जाए, फिर आगे बात बढ़ेगी. Probably the greatest man this country has ever produced, hands down. Yes, he should have been our prime minister. Anyway, so ये concept गलत है, इस पे बहस बाद में करेंगे. हर ईमानदार आदमी prime minister नहीं बनना चाहिए, prime minister एक अलग job है. ये आपने अभी सीखा है ना? नहीं नहीं, मुझे इसका concept. अच्छा, तंस. इनको late गया. अब मुझे समझ आया. हाँ, अब सीख, अब पता चला मुझे. You need to be a little clever too. Anyway, so I really wanted Aryan to have and meet this amazing once in a lifetime experience. And Ahmed ne kaha ki agar aap mind na kare, hame lambi judai suna de.
तो मैंने उनको लंबी जुदाई सुनाया, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली, फिर मुझे जाके हिम्मत हुई कि मैं कहूं कि ये जरा चीप लगता है ना कि इफ यू डोंट माइंड मैं सेल्फी ले लूं, तो जब उन्होंने सुन लो हाँ नहीं इन द सेंस कि एक आदमी इज नॉट फीलिंग वेल एंड ही इज लाइंग डाउन एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम राइट, सो जब उनकी फैमिली ने और उन्होंने मेरे साथ सेल्फियां ली तो फिर मुझे हिम्मत जागी और मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड मैं आपके साथ ले लूं, तो मैंने राबिया के साथ, भाभी के साथ, आर्यन के साथ, अपने साथ, अच्छा एक सेल्फी में उनकी आंख बंद हो गई, लाइक जो पकते हैं ना यू टेक लॉट्स ऑफ सेल्फीज एक आंख बंद हो जाती है, और मैं नेक्स्ट डे फ्रांस जा रही थी अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने टक 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 करके अपलोड कर दिया, सुबह ऑन माय वे टू द एयरपोर्ट हसन का फोन आता है कि भाज यू नीड टू टेक डाउन दैट सेल्फी राइट नाउ एंड आई एम लाइक नो वे एम आई टेकिंग डाउन दैट सेल्फी, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, सही है, आई एम गोना स्टैंड ऑन इट राइट, या आई ओन इट, वो जो एक जिसमें उनकी आंख झपकी थी उसमें वो लग रहा था कि वो मर गए और मैं सेल्फी ले रही हूं उनके साथ तब एंड सो आई डोंट केयर, और फिर लोगों ने कहां कहां आपकी सेल्फी नहीं लगाई है, सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको, मुझे ऑब्वियसली जॉन स्नो वाली, ही इज सो क्यूट, आई लव हिम, अच्छा ये अच्छा यार, खुद एंजॉय भी किया, नो आई क्राइड, I cried for 2-3 days. अजी ट्रोलिंग होती है बहुत सीरियस. Yeah, I cried, like seriously cried, and my father said to me first time उन्होंने गुस्सा इस ऐसी चीजों पे नहीं किया. He said कि शुक्र करो कि इतने साल तुम इंडस्ट्री में हो और तुम्हारा जो वन स्कैंडल हुआ है इन पाकिस्तान वो ईदी के साथ है. ये एक पॉजिटिव साइड. I considered it a blessing. और मेरी तो मीमे बना के लोगों ने बंगले बना लिए भाई. मुझे ट्रोल नहीं करते बस, मैं ताबिश जानी हो चुका हूँ, मुझे खुद बुरा लगता है, जानी क्यों कह रहे हो यार, ताबिश जानी, हाँ इतना फुल वॉइस मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं ना मुझे, तो ये बताएं कि ट्रोलिंग के क्या प्लेबुक क्या है ट्रोलिंग को हैंडल करने की. आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन बिकॉज आई रियली वांट द वुमेन स्पेशली टू नो दिस. अगर आपकी आपका करियर डिक्टेट्स दैट आप पब्लिक लाइफ लीड करें, वेदर यू आर अ पॉलिटिशियन, वेदर यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट, वेदर यू आर एंटरप्रेन्योर, वेदर यू आर इन शो बिजनेस, ठीक है, यू कीप डूइंग योर थिंग एंड स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल से. एवरीबडी थिंक्स यू विल नेवर बी टू यंग और टू ओल्ड और टू थिन और टू फैबुलस और टू कूल, यू विल नेवर बी दोज थिंग्स, यू विल ओनली बी दोज थिंग्स फॉर योर सेल्फ, सो प्लीज स्टॉप गिविंग अ bull scrap to and you know don't read it, just don't read it, delete it and just you know aap goal apna goal apne aankhon ke samne rakhe and you just you go girl, you just go get that goal, samjhe yeah. basically aisa hai ki bhaad mein jaye noora apna kaam pura. I don't even know what noora is but okay, noora ek shakhs hai, random shakhs, okay. subject matter okay subject. लड़कों को आपने कुछ नहीं बताया, वो ऐसी बेगैरती से पड़े रहे बस, वो बेचारे नहीं. आपके क्या ख्याल में क्या रेशियो होगा मेल ट्रोलर्स टू फीमेल ट्रोलर्स का? मुश्किल सवाल है, मैं जरा कैलकुलेट कर लूं, इंटीग्रल एक्स डीएक्स. अच्छा सवाल आ गया भाई, खलीलुर रहमान कमर को जानती हैं आप? जानती नहीं है. मेरे पास तुम हो देखा है आपने? ही रोट मेरे पास तुम हो, ओके. जानती नहीं उनको और नहीं कुछ जानती हैं उनको? डूड I work 14 hours a day, okay? बुरी बात नहीं, कोई ऐसी बुराई नहीं है कि आप नहीं जानती, मतलब मैं तो बहुत बेहतर ही है. मेरे पास तुम हो, then he is, you know, kudos to him. He has one big feather under his cap, right? Yes, उनकी कैप के अंदर काफी और भी फेदर है. ये सब बॉयज जानते हैं उन्हें, गर्ल्स भी जानती हैं. जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं. और आप वैसे अलग भी गुल रही हैं. उमर गुल को जानती है? कोमल जी हाँ. ताबिश जानी? ताबिश जानी. आज पहली बार ये लफ्ज अच्छा लगा मुझे. आंसू क्यों आ रहे हैं? खुशी के? आई डोंट नो व्हाई माय आईज आर कॉन्स्टेंटली टेयरिंग. आपको देख के खुशी के जो आंसू है रुक ही नहीं रहे. अच्छा को तो इधर आके बिठाओ, इसको बहुत जानी जानी हो. तो इधर ही, वो उधर नहीं बैठेगा, वो इधर बैठना चाह रहा है. मैंने इसीलिए सोफा सिंगल पर्सन रखा है, सिंगल कंपार्टमेंट. और ये सोफा भी ऐसा बनाया है कि मेरा वजन भी कंट्रोल में रहे. वो थी ना डॉल्फिन, बाकी चुन के सोफा तुमने चूज किया. अगर शार को छोटे कंटेनर में डाल दो ना, शार को बड़ी नहीं होती.
तो असफर भाई ने कहा तू बेटा चौड़ा ना हो ज्यादा, तू इधर ही बैठा रहेगा। अब जो राउंड है उसका नाम है फरफर राउंड। ओके, जो मुझे निकला थूक थूक के तरह पे। इफ यू वर एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट वुड यू बी? सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, रिकॉर्डर, फ्लूट, ड्रम्स। ठीक, ड्रम्स। फस फस के इंस्ट्रूमेंट निकल रहे हैं। इफ यू कुड, अच्छा इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, कौन से एरा में वापस जाएंगे? 90s, 80s, 70s, 60s, 2000 में जाएंगे। सबसे अच्छा ओएसटी किस पॉलिटिकल पार्टी का? पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम? आई डोंट नो, नन। ठीक, बजा तीर बजा दो। अच्छा है, नन 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 बजा तीर बजा अले। और पीटीआई का क्या है? अब आएगा इंद्रगान सबकी। और एमक्यूएम का साथी। अब they all need major upgrade. Aapki zindagi ka theme song? At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I can't live a day without you by my side. Wow. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. I will survive, basically. Wow. I will survive. अच्छा, कोई होता ना कुछ लोग आपसे कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट। सुनिए, रैपिड फायर है यार। अरे इतने क्या रैपिडली फायर करें यार, इतने आपसे तेज तो मैं जवाब दे रही हूँ। लाए मुझे दे, ये ले। मैं उर्दू नहीं आती, इंग्लिश में लिखे हैं, मैं उर्दू में तर्जुमा कर करके रैपिड कर रहा हूँ इनको। अच्छा, व्हाट आर सम थिंग्स दैट साउंड लाइक कॉम्प्लीमेंट्स बट आर एक्चुअली इंसल्ट्स? काबिज भाई आप बहुत चिकने हो। व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? मैं खट्टी इमली खाने का शौक है। बैठा हुआ था, किसी ने कहा बिजनेस क्लास की अनाउंसमेंट हो गई, तभी जाए, मेरे पास इकोनॉमी का टिकट था। ओके, व्हाट म्यूजिशियंस डू यू एडमायर? कोमल रिज़वी। व्हाट इज़ द मुझसे कहा था बात सुन छलांग मार दे कुछ नहीं होगा। What is the worst advice that you have ever given? Chalang maar de, tujhe bhi kuch nahi hoga. All right. Who do you think is the sexiest actress in Pakistan? Komal Rizvi. No. Main bhi chahiye. Okay. Who do you think is the ugliest actor in Pakistan? None. Main ugly nahi dekhta kisi ko. Meri aankhein bahut khoobsurat hai. Beauty lies in the eyes of the beholder. Beer holder keh raha tha main. मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बियर होल्डर, बी होल्डर कहना चाह रहा था मैं, सॉरी। सो व्हाट इज योर लाइफ्स हैप्पीएस्ट मोमेंट? व्हेन आई बिकेम अ फादर। यस, काइंड कोमल, थैंक यू सो मच। पहला बार ऐसा हुआ है कि किसी ने देखा ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आके मेरी नौकरी छीनने की कोशिश की है। I hope नहीं, you are brilliant. जितना rapid मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था ना, जितना उतना rapid मैं जवाब दे सकता हूँ, मुझे याद अंदाजा हुआ। But you are looking absolutely amazing. You are an amazing singer, an amazing actor. Thank you. जाने से पहले एक नया गाना छोड़ने वाली हैं मार्केट। मैं किसी को एक सेकंड। I say I'm very confused कि music के बगैर जब मुझसे लोग acapella गाने को कहते हैं कि मेरे latest गाना तो बहुत ज़्यादा डिच्चू डिच्चू है, मैं कैसे गाऊँ? मैं नहीं यार, इनका ये पांच लोगों का नहीं बजा सकते अपने मुंह से यार। आप मेरे मुंह को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ओके, कम ऑन, नाउ यू बीट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सिंग समथिंग विद योर बीट टोन पे ना। हां, टिंग टिक टिक डिंग, टिंग टिक टिक डिंग, टिंग टिक टिक डिंग, टिंग डिंग डिंग। ओह स्टॉप, कोलैबोरेट एंड लिसन, आई इज बैक फॉर द ब्रांड न्यू इन्वेंशंस। नो, वी आर नॉट डूइंग दिस, इट्स टेरिबल, वेरी लेम। Ladies and gentlemen, Komal Rizvi.